लॉन्ग मार्च के दौरान वकला और कारकुनों पर तशद्दुद का मामला, सेशन कोर्ट का वजीर दाखला और पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। मुतल्लिका SHO मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करें। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। एडिशनल सेशन जज मलिक मुदसर उमर बोदला ने PTI वकला की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कैपिटल TV लाहौर शादाब रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। शादाब कहिएगा, अहम फैसला अदालत की जानिब से आया है सामने, क्या कहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, लॉन्ग मार्च के दौरान वकला और कारकुनों पर तशद्दुद का जो मामला है, इसमें सेशन कोर्ट ने जाब्ता फौजदार 22A 22B के तहत जो है वो दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें राना सनाउल्ला और पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करने की इत्तदा की गई थी। अदालत ने इसमें दलाइल सुने, अदालत ने PTI के वकला की दरख्वास्त मंजूर कर दी, जिसके बाद मुतलका SHO और मुकदमा करके उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है करके उसकी रिपोर्ट जमा करवाई जाए। एडिशनल सेशन जज मलिक मुदस्सर ओदला जो है उन्होंने PTI